Now, moving to question number 6. Using the given pattern, find the missing number. ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इस पैटर्न को फॉलो करते हुए मिसिंग नंबर्स फाइंड करने हैं. तो हमारे मिसिंग नंबर्स कौन कौन से हैं? दिस, दिस, दिस एंड दिस. तो चलिए पहले हम पैटर्न देख लेते हैं कैसे फॉलो करा है पैटर्न. 1 square + 2 square + 2 square = 3 square. तो देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 1 into 2. सो 1 into 2 = 2. तो यहाँ पे आ गया ये 2 का स्क्वायर, ठीक है. देन ये 3 कहाँ से आया? अब जो ये आपका स्क्वायर आया है 2, उसमें प्लस को प्लस 1 कर दीजिए तो आ जाएगा 3. तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर. सेम अब हम इसमें देख लेते हैं हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 और 3 का. सो 2 into 3, मतलब जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स हैं उनका मल्टीप्लाई करके जो है वो हमारा ये वाला आंसर आएगा. और इसमें हम 1 को ऐड कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा. सो 2 into 3 = 6. ये आ गया आपका 6 का स्क्वायर. देन 6 + 1 = 7. नाउ अब हम इसमें देख लेते हैं इसमें हमें इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. सो 3 into 4 कितना आएगा, 12. ये आ गया हमारा 12. और फिर हमें क्या करना है, 12 में 1 को ऐड करना है तो आ गया हमारा 13. सो ये हमारा 13. सेम पैटर्न हमें इसमें भी फॉलो करना है. 4 और 5 का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई. सो 4 into 5 का कितना होता है, 20. Then 20 + 1 = 21. तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 20. Now अब देखिए यहाँ पे तो ये वैल्यू ही मिसिंग है तो हमें देखना है कि 5 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है. 5 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है, 6. So अगर हम 5 into 6 कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 30. तो यहाँ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6. और 30 में अगर हम प्लस 1 को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 31. नाउ अब देखिए ये दो डिजिट्स दी हुई है हमें, 6 into 7. 6 7 से कितना होता है, 42. तो यहाँ की वैल्यू जो होगी वो हमारी आ जाएगी 42. देन 42 में हम 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारी यहाँ की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज 43.